झाड़ोल में साड़ियों की बहार, आज मेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार, जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए। किशन भाई का वादा, अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मोदी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे, प्रियंका बोली उनके उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे। किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका बोली पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आए। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू भौरा पर भी हाथ आजमाया। मंच पर प्रियंका के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ बैज के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मौसम खराब होने के चलते वे सड़क रास्ते से होकर भिलाई पहुंचे थे। उनका इस साल का यह तीसरा दौरा है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरे पिताजी जब पीएम थे उनके साथ मैं अमेठी गई थी। जीप चलाते हुए एक गांव पहुंचे, सड़क पर उतरे तो एक महिला उठी और पिता को डांटने लगी। कहने लगी कि सड़क बारिश में डूब गई है, आपने इसके लिए क्या किया? ये तब की राजनीति है जब जनता को जवाब देना पड़ता था। पूछने पर पिता ने मुझे कहा कि महिला ने मुझे मेरे काम का एहसास दिलाया है। इससे पहले रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया था। इस दौरान वहां धनेंद्र साहू, नंद कुमार साय, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा मौजूद थे।